पृथ्वी की उत्पत्ति, जिस जगह आज हमारा सूर्य मंडल है उस जगह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से यह अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटीज का निर्माण किया। इस ग्रेविटीज के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विशाल विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर परिक्रमा करने लगे। कुछ समय बाद इनमें भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच दिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटीज होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों साल तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह दिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण दिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव हुआ, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था। 1900 डिग्री तापमान उबलते हुए लावे का। एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होने लगी। यह करोड़ों साल तक होती रही, और उल्का पिंडों के अंदर मिक्स था मिनरल्स, नमक और पानी। जब पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इसी कारण ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। लाखों सालों तक इस ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे जमीन का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।